अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन शॉर्ट CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप किसी कार्डियक अरेस्ट के मरीज की जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का दिल अचानक से धड़कना छोड़ देता है और वो अचानक से गिर जाता है और इसकी सांस रुक जाती है। अगर किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसके पास अगर कोई शख्स मौजूद है तो वो CPR के ज़रिए उस मरीज की जान बचा सकता है, अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट का मरीज कुछ ही मिनटों में जां बहक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि CPR कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप किसी शख्स को गिरता हुआ देखें तो सबसे पहले आप उसकी नब्ज और सांस चेक करें। अगर मरीज की नब्ज और सांस रुकी हो तो समझ जाएं कि ये कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत में सबसे पहले आपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प तलब करनी है और फिर हेल्प आने तक मरीज को जिंदा रखने के लिए आपने मरीज को चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं, यानी मरीज की चेस्ट को जोर और तेजी से दुबाते जाना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने हाथ की पाम मरीज की चेस्ट के सेंटर में रखनी है और फिर दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर चेस्ट को ठीक उसी रफ्तार से दबाते जाना है जिस रफ्तार से दिल धड़कता है। ऐसा करने से असल में आप मरीज के दिल का काम कर रहे होंगे, यानी मरीज की चेस्ट को प्रेस करने से ब्लड मरीज के जिस्म में ट्रैवल करने लगेगा और इस तरह मरीज का जिस्म खास तौर पर ब्रेन जिंदा रहेगा। आपने एक मिनट में 100 कंप्रेशंस देने की कोशिश करनी है और ध्यान रहे कि कंप्रेशन जोर से देना है ताकि मरीज की चेस्ट 5 इंच तक नीचे जाए, अदरवाइज ब्लड ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। इसके साथ साथ आप मरीज को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं, यानी हर 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 1 सेकंड का 1 या 2 माउथ ब्रेथ। ऐसा करने से मरीज के सरवाइव करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से कई लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से हेल्प का इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऐसा केस नजर आए तो CPR परफॉर्म करके उसकी जान बचाने की जरूर कोशिश करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।